हमारी सौरमंडल बहुत बड़ी है जिसके अंदर 8 ग्रह मौजूद हैं और हम इंसान सौरमंडल के जिस ग्रह पर रहते हैं उस पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 365 दिनों का वक्त लगता है। यानी हमारी पृथ्वी पर एक साल का वक्त 365 दिनों का होता है, लेकिन हमारे सौरमंडल के जितने भी बाकी ग्रह हैं वहाँ पर एक साल 365 दिन का नहीं होता। हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह मौजूद हैं वो या तो सूर्य के बेहद नजदीक हैं या फिर सूर्य से इतना दूर कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँच पाती। और सौरमंडल का एक ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होता है वो उतनी तेजी के साथ सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, और कोई ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होता है उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में उतना ही अधिक वक्त लगता है। यानी जो सूर्य ग्रह के नजदीक होगा वो एक साल का वक्त सबसे छोटा होगा, और जो भी ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगा वहाँ एक साल का वक्त सबसे ज्यादा होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका जन्म पृथ्वी पर नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मंगल पर हुआ है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिनों का वक्त लगता है। यानी मंगल ग्रह पर एक साल का वक्त 687 दिन का होता है। इस हिसाब से अगर पृथ्वी पर आपकी उम्र 20 साल की होती है तो मंगल ग्रह पर आपकी उम्र महज 10.5 साल की रह जाएगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर पृथ्वी पर रहने वाला एक इंसान अपनी औसत जिंदगी का 60 साल जिंदा रहता है तो सौरमंडल के बाकी ग्रह पर उसकी उम्र कितनी होगी। आज के वीडियो में हम आपको इसी सवाल के जवाब को बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने ही रहना बस। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे पहले ग्रह से, यानी मरकरी से, जिसे हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह है जिसकी सूर्य से दूरी बहुत कम है। सूर्य से बुध ग्रह की दूरी महज 5,80,00,000 किलोमीटर है, और यही वजह है कि बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 80 दिन में ही पूरा कर लेता है। यानी जो एक साल हमारी पृथ्वी पर 365 दिन का होता है, बुध ग्रह पर एक साल सिर्फ और सिर्फ 80 दिन का ही रह जाता है। इस हिसाब से अगर कोई इंसान पृथ्वी पर 60 साल की उम्र को जीता है तो बुध ग्रह पर उसकी उम्र लगभग 250 साल से ज्यादा हो जाएगी। वैसे जिन लोगों को अपनी जन्मदिन मनाने की बड़ी जल्दी रहती है उन लोगों के लिए बुध ग्रह बड़ा ही अच्छा है। अब बारी आती है हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रह की, जिसका नाम है वीनस, जिसे हम शुक्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है जिसकी सूर्य से दूरी 10,80,00,000 किलोमीटर के लगभग है। सूर्य से इतनी दूरी होने की वजह से शुक्र ग्रह 225 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। यानी शुक्र ग्रह पर एक साल 225 दिन का होता है। इस हिसाब से अगर कोई इंसान पृथ्वी पर 60 साल जीता है तो शुक्र ग्रह पर उसकी उम्र लगभग 97 साल की होगी। बुध और शुक्र के बाद हमारे सौरमंडल का जो तीसरा ग्रह है उसका नाम है पृथ्वी, लेकिन हम इंसान तो खुद पृथ्वी पर ही रहते हैं और हम भारतवासी अपने आप को आधार मानकर सौरमंडल के दूसरे ग्रह पर उम्र की तुलना कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी पृथ्वी को नजरअंदाज करके सौरमंडल के इस अनोखी दुनिया में अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम मार्स है, यानी मंगल। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये वही ग्रह है जिस पर एलन मस्क जैसे कुछ व्यवसायी इंसानी बस्ती को बसाना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी लगभग 22,80,00,000 किलोमीटर की है, और इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 687 दिन का वक्त लग जाता है। यानी मंगल ग्रह पर एक साल 365 दिन का नहीं बल्कि 687 दिन का होता है। इस हिसाब से अगर कोई इंसान पृथ्वी पर 60 साल की उम्र तक जीवित रहता है तो मंगल ग्रह पर उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 32 साल की होगी। खैर ये तो कुछ भी नहीं, अभी हमारे सौरमंडल के उन ग्रहों के बारे में जानना बाकी ही है जहां पर आपकी उम्र महज 3 महीने की रह जाएगी। फिलहाल अब हम सौरमंडल के इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं और सौरमंडल के पांचवें ग्रह की तरफ, जिसका नाम है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सौरमंडल के चौथे ग्रह मंगल की दूरी सूर्य से महज 22,00,000 किलोमीटर थी, वहीं पांचवें ग्रह बृहस्पति ग्रह की सूर्य से लगभग दूरी जो है 77,00,000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच अजीबोगरीब दुनिया बसती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उल्का पिंड पाए जाते हैं। और उससे भी अधिक हैरानी की बात तो यह है कि बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 4,300 दिनों का वक्त लगता है। यानी बृहस्पति ग्रह पर एक साल लगभग 4,300 दिनों का होता है। इस हिसाब से अगर आपकी उम्र धरती पर 60 साल है तो जुपिटर पर यानी कि बृहस्पति ग्रह पर आपकी उम्र लगभग 5 साल की रह जाएगी। खैर अभी हैरान होने की बात नहीं है क्योंकि अगला ग्रह आपको और भी अधिक चौंकाने वाला है।
अब हम आगे बढ़ते हैं सौरमंडल के छठवें ग्रह की ओर, जिसका नाम है सैटर्न प्लैनेट यानी शनि ग्रह। इस ग्रह को हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इस ग्रह के चारों तरफ एक वलय जैसी आकृति होती है जो इस ग्रह को बड़े खूबसूरत बना देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह के सूर्य से दूरी लगभग 1,43,00,000 किलोमीटर है और इस ग्रह पर 1 साल 11,000 दिनों का होता है, यानी इस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 11,000 दिनों का समय लगता है। और इस हिसाब से अगर आप धरती पर 60 साल की उम्र जीते हैं तो शनि ग्रह पर आपकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 साल की रह जाएगी। शनि ग्रह के बाद बारी आती है हमारे सौरमंडल के सातवें ग्रह, जिसका नाम यूरेनस, जिसे हम हिंदी में अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं। सूर्य से इस ग्रह की दूरी लगभग 2,87,00,000 किलोमीटर की है। यही वजह है कि इस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में लगभग 31,000 दिन का वक्त लगता है, यानी अरुण ग्रह पर 1 साल का वक्त 365 दिन का नहीं बल्कि 31,000 दिनों का होता है। अगर गलती से आपका जन्म पृथ्वी पर ना होकर अरुण ग्रह पर हो जाता तो आपका जन्मदिन मनाने के लिए 31,000 दिन का इंतजार करना पड़ता। इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर धरती पर कोई इंसान 60 साल की उम्र को पूरा करता है तो अरुण ग्रह पर उसकी उम्र महज 0.7 साल रह जाएगी। सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, अरुण ग्रह पर इंसान की उम्र सिर्फ 7 महीनों की रह जाएगी। अरुण ग्रह के बाद बारी आती है हमारे सौरमंडल के सबसे आखिरी ग्रह, जिसका नाम नेपच्यून, जिसे हिंदी में हम वरुण ग्रह के नाम से जानते हैं। अब से कुछ साल पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे और आखिरी ग्रह का नाम प्लूटो था। हमारे वैज्ञानिकों ने उस 9वें ग्रह को हमारे सौरमंडल के ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया, जिसके बाद हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह वरुण ग्रह रह गया। सौरमंडल के इस आखिरी ग्रह की सूर्य से लगभग दूरी 4.5 अरब किलोमीटर से ज्यादा है। सौरमंडल के ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 60,200 दिनों का वक्त लगता है, यानी हमारे सौरमंडल का जो आखिरी ग्रह है वहां पर 1 साल में 60,200 दिन होते हैं। इस हिसाब से अगर कोई इंसान धरती पर अपनी 60 साल की जीवन को पूरा करता है तो वरुण ग्रह पर उसकी उम्र महज 0.3 साल की होगी। आम बोलचाल की भाषा में ये सिर्फ 3 महीनों की होगी। वैसे इन बातों को जानने के बाद हमें एक बार क्रिएटर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि गलती से अगर वो हमें पृथ्वी की जगह अरुण या वरुण ग्रह जैसे ग्रहों पर पैदा कर देता तो हमें अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए 30,000 से 60,000 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ता। यहाँ तो हमारे कुछ मित्र ऐसे भी हैं जिनसे 365 दिनों का भी इंतजार नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर आप 60 साल धरती पर जिंदा रहते हैं तो हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रहों पर आपकी उम्र कितनी होगी। जाते जाते हम आज आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। दरअसल जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ था उस वक्त तो हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के बेहद नजदीक हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य की ऊष्मा खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से कई लाखों करोड़ों साल के दरमियान एक एक करके सभी ग्रह सूर्य से धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। ये वजह है कि बुध ग्रह हमारे सूर्य के सबसे नजदीक है और वरुण ग्रह हमारे सूर्य से करोड़ों किलोमीटर दूर। वैज्ञानिकों ने एक शोध में बताया कि आज से लगभग कुछ अरब साल बाद हमारे सूर्य के अंदर इतनी क्षमता नहीं बचेगी कि वो हमारे सौरमंडल के ग्रहों को अपनी तरफ खींच कर रख सके। वे सभी ग्रह एक एक करके हमारे सौरमंडल के बाहर होते चले जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारा सौरमंडल पूरी तरह से खाली हो जाएगा और हमारे सूर्य के अंदर की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी होगी जैसे आप सब जब किसी लकड़ी को जलाते हैं तो शुरुआत में उसकी ज्वाला थोड़ी कम होती है, बीच में उसकी ज्वाला एकदम से धधकने लगती है और अंत में कई घंटे तक जलने के बाद वो लकड़ी राख के ढेर में बदल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे सूर्य के साथ भी हो रहा है और ऐसा होने में लगभग 100 अरब साल का वक्त लगेगा। अगर आप हमारे सौरमंडल की इस थ्योरी को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, हम अपनी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर बड़ी डिटेल में लेकर आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहती है। धन्यवाद।